थे अम्मा। इतनी खुराफात करने के बाद सेवा करवाने यही अटक की है? ये सब क्या है बड़ी अम्मा, आपको अकेले गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी, ड्राइवर का था। आपके घर का चिराग, साया, आपके खानदान का इकलौता वारिस खत्म करूंगा मैं। ये सब भूल जाओ साहिल, हमको तो चिंता इस बात की हो रही है कि कल का होगा, हमारे कारोबार का, हमारे परिवार का भविष्य, जो कल हम ना रहे तो। अरे मां, अचानक से ये सब बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं ड्राइवर को बुला रहा हूं। ना आराम से बड़ी। अचानक से नहीं साहिल, बहुत दिनों से हमारे दिमाग में ये उथल पुथल चल रही है। साहिल, अग्रवाल ज्वेलर की 50वीं सालगिरह पर हम तुम्हारा नाम कंपनी के एमडी के लिए घोषित करेंगे। बड़ी माँ, आप जानते मुझे ये सब पसंद नहीं है और ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। बेटा समझने की कोशिश करो, कितने खून पसीने से हम ये कारोबार खड़ा किए हैं। लोग इस फिराक में है कि कब कोई कमजोर नजर आए और हमारा सब कुछ छीन ले। बेटा तुम घर नहीं आना चाहते हो, हमारा बोझ, हमारी चिंता नहीं बांटना चाहते हो। जानते हो कितना बेबस महसूस करते हैं? साहिल, आज हमें तुम्हारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़ी अम्मा प्लीज, अगर आपको सहारे की जरूरत है तो दीपक जीजू को बोलिए, वो खुशी खुशी ये करेंगे, उन्हें एमडी बना लेना आप। दिमाग खराब हो गया है साहिल का, मेरे सारे प्लान्स भी खराब कर देगा ये। छोड़ो हमारा हाथ, तुम ही हो जिसकी वजह से हमारे घर का चिराग हमसे अलग हो गया है। बड़ी अम्मा, तमीज से बात कीजिए, मेरी पत्नी है वो। हमारे अलावा तुमको सबकी फिक्र है ना? जिस दिन हम मर जाएंगे ना, उस दिन वो सब कुछ करोगे जो आज हम तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हमारी किस्मत में नहीं है कि हमारा बेटा हमारा सहारा बने। ठीक है बड़ी अम्मा, चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। बड़ी अम्मा, अम्मा प्लीज। जिस दिन बुढ़िया मर जाएगी, वाह आइडिया बुरा नहीं है। अरे दिमाग फिर गया क्या तेरा वेदिका, काहे आने दिया तूने उस बुढ़िया को हमारे घर के अंदर? अरे बेइज्जती कराने का शौक चढ़ गया क्या तुझे? माँ आपने उनकी हालत देखी? हालत? अरे जिए मरे हमारी बला से। महानता के चक्कर में याददाश्त खो गई है क्या तेरी, जो भूल गई तू कि कितनी बेइज्जती की है उसने तेरी है? या फिर हम तुझे याद दिलाए? बोल। अरे बस करिए माँ, नफरत से बढ़कर इंसानियत होती है। पगला गई है तू तो वेदिका, लगता है हमें ही साहिल से बात करनी पड़ेगी। अरे माँ क्यों करे आप ऐसा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तू उस परिवार के लिए मरे कटे। इस तरह एक होल लकड़ी है क्या हमने उस अग्रवाल खानदान के लिए कि जब चाहे जो चाहे मुंह उठाकर चलाए, अपना काम निकाले, अपनी सेवा करवाए और फिर हमारे मुंह पर थूकता हुआ चला जाए? माँ मैंने कहा ना, मैं जो भी कर रही हूँ इंसानियत के नाते कर रही हूँ। इंसानियत इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो करना जरूरी है। आपको नफरत करते रहना है तो करिए ना, मैं आपको बदल रही हूँ ना मैं आपको रोक रही हूँ। लेकिन हम रोक रहे हैं तुझे, पर हमसे नहीं देखी जाती तेरी ये बेइज्जती। बस अब और कुछ मत कर तू उस परिवार के लिए, पर अब तुझसे नहीं कहा जाता ना तो हम ही कह देते हैं उस साहिल को कि आज के बाद उसके परिवार का यहाँ कोई दिखना भी नहीं चाहिए। गलती तो उसी की है ना, वो काहे लेकर आया उसे यहाँ? अरे वो खुद घर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका खानदान उठकर यहाँ आ जाएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ।
पानी पी लीजिए। नहीं जी। माँ प्लीज। माँ ये घर आधा साहिल का भी तो है, मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? मैं बड़ी अम्मा से दोस्ती नहीं कर रही, मैं एक ऐसे इंसान की मदद कर रही हूँ जो मुसीबत में है। तुझसे तो बात करना ही ना बेवकूफी है। पढ़ी नहीं है, मैं तो पढ़ी नहीं है, नहीं सुनना चाहता मेरी बात को। ये मम्मा मेरी बातें नहीं सुनती है। थोड़ी देर के लिए पार्टी पे चली गई तो क्या हो जाएगा? घर की तो पार्टी है, कोई बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। गलती कर दी मैंने, पूछना नहीं चाहिए था, झूठ बोल के चली जाती मैं। मोहित भी मेरी वेट कर रहा होगा। डांस क्लास की सारी लड़कियों में से मोहित ने सिर्फ मुझे ही बुलाया है। क्या करूंगी मैं? अरे आलिया, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? पार्टी में नहीं जाना है तुम्हें? मम्मी ने जाने से ही मना कर दिया। उफो, मुझे पता था कि वेदिका जी जरूर मना कर देंगी। तुम्हारी जगह पर अगर मैं होती ना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं जाती। क्या मतलब? मतलब ये है कि देखो, मम्मियों का तो काम ही होता है मना करना, और तुम्हारी मम्मा काफी ओल्ड है ना, उनको नहीं पता है कि आजकल की लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। पर मुझे पता है और इसीलिए मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। थैंक्स, पर मम्मा मेरी बातें नहीं सुन रही है। अरे मैं सुन रही हूँ ना तुम्हारी बात, इसीलिए तो कह रही हूँ जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। पर मम्मा। बार बार मत सोचो आर्या। अच्छा मुझे बता, तुम्हें पार्टी में जाना है या नहीं? वेरी गुड, सो ड्रेस अप, मेकअप, लुक योर बेस्ट और खूब एंजॉय करना वहां पे। तुम यहाँ की टेंशन ज्यादा मत लो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी और तुम्हारी मम्मा को ना पता भी नहीं चलेगा। अरे आर्या तुम ज्यादा मत सोचो, तुम तैयार हो जाओ बस। अरे मोहित तुम्हारा वेट कर रहा होगा। पार्टी में जाना है ना? चलो चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, अपनी ये ड्रेस पहनो और पार्टी में जाओ। आर्या गेट अप, गुड गर्ल। ड्रेस को पहन के तुम सबसे सुंदर दिखोगी वहां पे। जहां तक मुझे लगता है उस पार्टी में सबसे हॉट लड़की होगी आर्या माथुर। ये लो। और जब तुम रेडी हो जाओ ना आर्या, तो उस खिड़की से बाहर चले जाना, ठीक है? आर्या जाओ, have fun. आप मामा को तो मना लोगे ना? अरे हाँ बाबा, don't worry. निकल बेटा आर्या, निकल। उसके बाद देख मैं यहाँ क्या करती हूँ। जिस तरह से आपने मेरी माँ को तड़पाया था, वैसे ही मैं आपको तड़पाने वाला हूँ। आपके मुंह पे दावा करता हूँ, जिस जिस चीज से आप प्यार करती हैं, वो छीन लूंगा। अभी तो सिर्फ डर से पहचान करवाई है आपकी मिसेज इमला अग्रवाल, अब मैं दर्द देना शुरू करूंगा। हर मार से घाव होगा और हर घाव से दर्द होगा, और जब वो दर्द इतना बढ़ जाएगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, तब भी नहीं रुकूंगा मैं। तुम्हारे ही फोन का इंतजार। बोलो कुछ पता चला? रायचंद की शादी की ज्वेलरी का ऑर्डर अग्रवाल ज्वेलर्स को जा सकता। 8 डायमंड सेट्स है ना, कितना कोट किया? 1 करोड़। ओके प्रिया। यस सर।
रायचंद के ज्वेलरी के गहनों का कोटेशन भेजो। कोट करो कि लीला ज्वेल्स उनके पसंद किए हुए 8 डायमंड सेट्स को 85 लाख मानेंगे। 85 लाख? क्योंकि अग्रवाल्स ने 1 करोड़ कोट किया। लेकिन सर, ये 1 करोड़ की इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? आप इस पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? आई मीन, मार्केट में तो लोग कई तरह के रूमर्स फैलाते हैं ना, यू कैन ट्रस्ट देम। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट से नहीं, अग्रवाल हाउस से मिली। उनके अपने घर में गद्दार है और इसका फायदा हम पूरी तरह से उठाएंगे। मैं यहाँ बड़ी अम्मा को बर्बाद करने आया हूँ और ये मैं करके रहूंगा। कुछ ज्यादा ही जोर से डांट दिया मैंने आर्या को। छोटी है बेचारी, उसका भी तो मन होता होगा पार्टी में जाने का जब उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे। प्यार से समझाती हूँ उसे, मान जाएगी। अब आएगा मजा। माँ रूम के अंदर और बेटी रूम से गायब, फिर मचेगा इस घर में कोहराम। आर्या, आर्या प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। गॉड, ये आर्या गई ही नहीं पार्टी में। अब तक मामा से गुस्सा हो? बात नहीं करोगी? आर्या, आर्या, आर्या बेटा, तुम जानती हो ना मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है बेटा। अरे, हर चीज की एक उम्र होती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, प्रॉमिस। पर अब तो तुम्हें मम्मा की बात माननी पड़ेगी। सॉरी। सॉरी कहा ना मैंने? अच्छा, सॉरी प्लीज। कल हम तुम्हारी वो फेवरेट जगह है ना, वो फेवरेट ढाबा तुम्हारा, वहां जाएंगे, प्रॉमिस। गुड नाइट। अरे आर्या, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स आपने जो भी समझाया उसके लिए। पर मम्मा की मर्जी के बिना मैं नहीं जा सकती। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था मम्मा पे, पर उनसे झूठ नहीं बोल सकती मैं। ओह, तो तुमने अपनी मम्मा की बात मान ली, बहुत अच्छा किया तुमने आर्या। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे लगा तुम्हारा बहुत मन होगा पार्टी में जाने का, लेकिन तुमने तो अपनी मम्मा की बात मान ली। तुम्हारी मम्मा कितना प्राउड फील करती होंगी ना तुम पे। सच अ गुड गर्ल आर्या। उफ़ो, ये मिडिल क्लास बहन जियां और उनकी बेटियां, कुछ नहीं हो सकता इनका, कुछ भी नहीं। सारा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया इसने। मम्मा, ये बार बार हायराम हायराम बोलना प्लीज आप बंद करो।
मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अरे वो हम जानते हैं बेटा, पर थोड़ा ध्यान से, अगर किसी ने देख लिया तो न जाने क्या होगा। स्टॉप इट मम्मा, प्लीज अब मुझे ज्यादा टेंशन मत दो। अरे टेंशन तो हमारे सर पे मंडरा रहा है, हमें ये नहीं पता था कि हमारी बेटी कमीनेपन में हमारी माँ निकलेगी। ओके मम्मा बाय। एक बात कहूँ साहिद, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी बड़ी अम्मा किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, पता नहीं क्यों वो तुम्हें खुलकर नहीं बता पा रही। ऐसा कुछ नहीं है वेदिका जी, वैसे भी ये सिचुएशन उन्होंने खुद खड़ी की है, दूसरों के लाइफ को कंट्रोल करना उन्हें बहुत पसंद है। अब टेंशन मत लीजिए, जाके सो जाइए। साहिद, बड़े चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, छोटों की ड्यूटी होती है कि वो उनकी परवाह करे, उनके दिल को समझे। वो गुस्से में है इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नाराज हो जाओ। साहिल तुम घर जाओ और उनसे मिलो, उनसे खुल के बात करो, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, कम से कम उन्हें ये आश्वासन तो दे सकते हो ना कि तुम्हें उनकी चिंता है। वेदिका जी फिर घर आने की जिद करेंगी। साहिल प्लीज प्लीज, मेरे खातिर अभी के अभी घर जाओ और उनसे बात करो, कल को ये अफसोस ना रह जाए कि जरूरत पे तुम उनके पास नहीं थे। प्लीज साहिल। अग्रवाल ज्वेलर की 50वीं सालगिरह पर हम तुम्हारा नाम कंपनी के एमडी के लिए घोषित करेंगे। अगर आपको सारे की जरूरत है तो दीपक जीजू को बोलिए, उन्हें एमडी बना लेना आप। जिस दिन हम मर जाएंगे ना, उस दिन वो सब कुछ करोगे जो आज हम तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं। सॉरी बड़ी अम्मा, ये काम तो मेरे हाथ से ही होगा, क्या करूँ, गलती आपके बेटे की है, उसने एमडी बनने से मना कर दिया, अब मेरे रईस बनने के प्लान का क्या होगा। इसीलिए तेरा ये बलिदान मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू माई डियर सासूमा। मिसेस लीला अग्रवाल का बेटा यश कुमार अग्रवाल, आपने मेरे से मेरी माँ छीनी थी, मैं आपसे आपका हर एक रिश्ता छीनूंगा, खास तौर पे आपके घर का चिराग साया, आपके खानदान का इकलौता वारिस खत्म करूंगा मैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी अम्मा किसी परेशानी में है। उनकी रक्षा करना भगवान। ये बुढ़िया तो बच गई, तेल पर पैर ही नहीं रखा इसने, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
बाबा चिश्ती की दरगाह पर इबादत में उठे हाथ वेदिका और भूतू के मिलकर एक साथ, लेकिन क्या कबूल होगी इनकी दुआ? जानने के लिए देखिए महायुद्ध का आरंभ शाम 6:30 बजे भूतू में और अंत रात 10:30 बजे आपके आ जाने से कल रात।